ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आयोजन के स्थल पर सुरक्षा व्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए पुलिस ने तमाम तरीके के प्रबंध किए और आयोजन स्थल पर एक कंट्रोल रूम बनाया गया है। मेरे पीछे की तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर सीसीटीवी कैमरे से चप्पे चप्पे की निगरानी करी जा रही है। 100 से ज़्यादा सीसीटीवी लगाए गए हैं। उसी के साथ साथ जो तमाम उत्तर प्रदेश पुलिस के कर्मी हैं वो यहां पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि एक एक कैमरे को वो मॉनिटर करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर मौजूद रहेंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उसी के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तमाम जो कह सकते हैं कि बड़े राजनीति से जुड़े हुए पुरोधा हैं वो यहां पर मौजूद रहेंगे। उसी के साथ वो चाहे देश की अगर बात करी जाए, मुकेश अंबानी यहां पर पहुंच रहे हैं, और अगर विदेश की बात करी जाए तो तमाम विदेशी निवेशक यहां पर पहुंचेंगे। उसके पहले सुरक्षा व्यवस्थाओं को आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जांचा और परखा जा रहा है, चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है, और उसी के साथ साथ सीसीटीवी तो लगाए गए हैं और उसी में ड्रोन कैमरे से भी निगरानी करी जा रही है। यानी अगर देखा जाए तो सड़क के साथ साथ हवाई तक भी जो उत्तर प्रदेश की पुलिस है उसने अपनी नजर बनाई हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहां पर पहुंचेंगे उसको लेकर लोग उत्साहित भी हैं, क्योंकि आज एक बड़े निवेश के कुंभ की शुरुआत होने जा रही है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट आशीष के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।